अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली सीज़लपाइनेसी। इसको हम कैशिया फैमिली भी कहते हैं। इसके टोटल 152 जेनरा और 2300 स्पीशीज़ हैं। पाकिस्तान में इसके 16 जेनरा और 60 स्पीशीज़ रिपोर्टेड हैं। इसके फैमिलियर प्लांट्स की बात करें तो टेमरेंडस इंडिका, जिसको हम कॉमनली इमली कहते हैं, कैशिया फिस्टोला, जिसको अमलतास कहते हैं, बहुनिया वेरीगेटा, जिसको हम कचनार कहते हैं, जो कि हम सब्ज़ी के तौर पर खाते भी हैं। वेजिटेटिव करेक्टर्स में इसके हैबिट की बात करें तो ज़्यादातर ये ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, सम आर वुडी क्लाइंबर, यानी कुछ क्लाइंबर्स होते हैं, रेयरली हर्ब्स, बहुत कम हर्ब्स होते हैं क्लाइंबर, अब कह लें जो किसी चीज़ के साथ चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं। स्टेम इसका अरेक्ट होता है, वुडी, हर्बेशियस और बाज़ दफ़ा क्लाइंबिंग भी होता है। लीव्स की बात करें तो कंपाउंड लीव्स हैं, कंपाउंड लीव्स को ही हम पिनेट लीव कहते हैं, रेयरली सिंपल, बहुत कम सिंपल होते हैं और वो स्टिप्यूलेट लीव्स होते हैं। फ्लोरल करेक्टर्स में देखें, इनफ्लोरिसेंस यानी जो फ्लावर्स का क्लस्टर होता है वो एक्जिलरी हो सकता है या टर्मिनल रेसिमोस, टर्मिनल रेसीम हो सकता है। फिर वो फ्लावर्स पेनिकल बना सकते हैं, पेनिकल यानी फ्लावर्स का एक गुच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, या वो स्पाइक की शक्ल बना सकते हैं, स्पाइक जिस तरह सिट्टा होता है, आपने गंदम का सिट्टा देखा हो तो उस तरह से फ्लावर्स अरेंज हो सकते हैं। रेयरली सायमोस, बहुत कम वो सायमोस होते हैं, शोई होते हैं यानी कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट इनफ्लोरिसेंस में उसके फ्लावर की बात करें तो वो बाईसेक्सुअल होता है, जाइगोमार्फिक हो सकता है और बहुत कम एक्टिनोमार्फिक भी हो सकता है। फिर वो फ्लावर पेरीगाइनस होता है। कैलेक्स की बात करें, कैलेक्स में 5 सेपल होते हैं जो कि फ्री और कोनेट होते हैं, यानी बेस से वो कोनेट होते हैं, यानी आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े होते हैं और ज़्यादातर कलर्ड होते हैं, यानी फैमिली सीज़लपाइनेसी में कैलेक्स भी कलरफुल होते हैं। कोरोला की बात करें तो कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं। मेल पार्ट एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में 10 या 10 से कम स्टेमन होते हैं, रेयरली नुमेरी यानी बहुत कम वो ज़्यादा तादाद में होते हैं, या 10 या 10 से कम ही होते हैं, ज़्यादातर फ्री भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं। गाइनेशियम फीमेल पार्ट की बात करें तो सिंपल फीमेल पार्ट होता है, उसमें एक ही कार्पल होता है, सुपीरियर ओवरी होती है और वो यूनिलॉकुलर ओवरी होती है, यानी ओवरी में एक ही लोक्यूल, एक ही चैम्बर होता है। प्लेसेंटेशन मार्जिनल होती है, स्टिग्मा इसका सिंपल होता है और इसके फ्रूट को हम लेग्यूम कहते हैं, पॉड, फली होती है। यहाँ पे सीज़लपाइनेसी का एक आप स्पीशी कैशिया सीना दिखाया हुआ है, जिसमें ए पे इसकी ट्विग है, ट्विग कहते हैं ब्रांच ऑफ थंबनेल थिकनेस, यानी अंगूठे की मोटाई की जो ब्रांच होती है उससे मोटी सिंपल ब्रांच है। बी पे आपको ये इसका फ्लावर नज़र आ रहा है और सी पे इसका ये फ्रूट लेग्यूम नज़र आ रही है, पॉड, फली नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सीज़लपाइनेसी। अब इसके कुछ मेम्बर्स ऑर्नामेंटल हैं, यानी आरायशी पौधों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है यानी मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, कुछ फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं यानी फूड वैल्यू है इसकी। लीव्स ऑफ कैशिया अलाटा, अब इस पौधे के जो लीव्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं रिंग वर्म और स्किन डिजीज़ को क्योर करने के लिए। इसी तरह कैशिया सीना और कैशिया ओबोवोटा, इन दोनों पौधों के ये दोनों कल्टिवेट किए जाते हैं, उगाए जाते हैं फॉर द लीव्स, पत्ते हासिल करने के लिए, और उन पत्तों से यील्ड द ड्रग सीना, यानी उन पत्तों से एक ड्रग हासिल की जाती है जिसे हम सीना कहते हैं, और इसे क्या किया जाता है, बेस फॉर द लैक्सेटिव। अब ये सीना ड्रग लेग्जेटिव मेडिसिन होती हैं, उनमें इस्तेमाल होती है, लेग्जेटिव कहते हैं वो मेडिसिन जो रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव देती हैं, ये बाउल मूवमेंट को बढ़ाती हैं। फिर ऑयल ऑफ साइनोमीट्रा कॉलीफ्लोरा, इसके ऑयल स्किन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं महोनिया वेरीगेटा, जिसे हम कचनार कहते हैं, कैशिया फिस्टोला, अमलतास कहते हैं, पार्किंसोनिया वगैरह, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। लीव्स एंड फ्लावर्स बड ऑफ महोनिया वेरीगेटा, अब ये महोनिया वेरीगेटा कचनार को कहते हैं, इसके पत्ते और फ्लावर बड यूज्ड एज ए वेजिटेबल, हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी कचनार पकाई हो तो वो उसके फ्लावर के बड्स होते हैं, फ्लावर्स बड होते हैं जो कि अभी क्लोज होते हैं, तो उसको सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एसिडिक फ्रूट ऑफ टेमरेंडिस इंडिका आर एडिबल, टेमरेंडिस इंडिका इमली को कहते हैं, ये आपने खाई भी होगी, और ये रिच इन टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड इसमें बहुत होता है। फिर इसी तरह बार्क ऑफ बोहनिया एंड टेमरेंडिस इंडिका यूज्ड इन टैनिंग, यानी कचनार और इमली के दरख्त की जो बार्क है उसको टैनिंग में, चमड़े को रंगने में इस्तेमाल करते हैं। हार्डवुड ऑफ हेमाटॉक्सिलॉन, जिसको हम लॉन्ग वुड भी कहते हैं, इसकी वुड यील्ड उससे हम हासिल करते हैं एक डाई जिसका नाम है हेमाटॉक्सिलिन। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।